भाई तारी गांव गमूर घाट पंजाब से अपना दोस्त है, पार्टनर भी है और ये इसने बनाई है मट्ठी और यहाँ पे इसने बोत दिए हैं लड्डू थोड़े बनाए, बाकी कोथड़ियाँ का सीजन चल रहा है उस हिसाब से तो ज़्यादा बनाने दे पर ज़्यादा बनाने दे कारी। अच्छा काउंटर में रख दिए, चलो अच्छी बात है, बाकी ताज़ा बनाओ माल, थोड़ा थोड़ा बनाओ, ताज़ा बनाओ, बढ़िया बनाओ, अच्छी क्वालिटी दो, चलो अच्छी बात है। ताऊ ने अपना काम शुरू कर दिया है और ताऊ ऊपर लग गया फट्टियां पे, चुनही फट्टी बच गई थी, ऊपर तो लगना था ताऊ पहला है नी ऊपर दे और हरीश पवा लकम लिख देगा के है अंग्रेजी को नहीं आती। अच्छा ये तैयार करना इसको ऊपर को एक बरो कर देगा, कौन सा रंग है गोल्डन ब्राउन, ठीक। राम राम जी, मिल लीजिए मेरी माँ से और मेरी माँ की आंख देख लियो आप किसी होगी, बाकी राम राम जी मेरी भी सारे की हाथ जोड़ के। बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं और जय मुआयना कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा ये ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी माँ चिड़न लग रही है प्याज, राम राम जी पता नहीं, बाकी सामने मैं नहीं कहूँ माँ कड़ी नहीं बनाया कर दे, देख ले मेरी माँ जुए बदल जाए तुरंत, ईव तो कड़ी बनाने की कहती मन तो सुनी है कमेंटा में भाई सामने में कड़ी कौन बनाया कर दे, ईव तो के सामने रह गया हुआ, बाकी ईव का दो सामने है, एक आगा होगा अगला सामने में तीजा होगी, आज के एक कमक दूज है फिर गैस फिर द्वैस दो दिन बाद से फिर पनवासी अगर मौस है। के करा ताई बात दो के था मैं सारे मिस्त्री बन रहे हो गए और के अच्छा अरे ये न्यू प्याज इतने सस्ते कुकर बना रखे हैं, सस्ते तो पाइप नहीं सस्ती ज्यादा है, अरे फ्रीज क्या रुपये किलो, अच्छा चल फिर गोलगप्पे खुआ के लिया देख लेता ही गोलगप्पिया का नाम लेंदे कितने खुश हो गए, मेरी माँ के कहती मैंने सोचूंगा मिताई की कोथड़ी आओगी उसमें क्या दादी को नीब का ताई और कह कोथड़ी को नहीं आंदी बागड़ता है पता नहीं कैसा रिवाज है, अच्छा बाकी ताई बाट देखने लग रही थे अपने दर्शक तो, चलो फिर चल जावा ताई मां मेरा राजा की दुकान पे और वीडियो भी बना के ले आवांगे। राम राम जी कैसे हो आप सब, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर और मिलते हैं आपसे, मिल रहे हैं आपसे एक नए ब्लॉग में और आज हम पहुंच चुके हैं राजा की दुकान पे, राजे राजा खड़ा है ताऊ प्यारे लाल और भाई पानी को छोड़ के चाड़ के दे दी भाई, तारी नाम है कारी नाम है, ठीक है राजे, बाकी बिस्कुट बास्कुट तैयार रखे हैं राजा ने इधर सुवाली मटर अरे ये नीचा वाले बिस्कुट बने बनाए लिया है, बने बनाए बना दे दोगे ले मट्ठी है क्या सुवाली, लंबे मटर टवाणा के प्रसिद्ध
और ये बिस्कुट आटा के, और ये बच्चे खाने लग रहे हैं गोलगप्पे फुल मिर्च वाले। और यहाँ पर राजा ने लगा रखी है मिठाई, लड्डू हैं बूंदी के, बेसन के लड्डू, देसी घी के घेवर, फिरनी देसी घी का घेवर, और ये लड्डू दिखा रहा है, खिला नहीं रहा, दिखा रहा है। और यह फिरनी भी दो प्रकार की है, ऊपर बालू शाही है, रसगुल्ले और गुलाब जामुन है, ढोआना वाला रेट पे है। नहीं छोटे तो हमने लेके आने चाहिए बच्चे है। मेरी माँ ने चढ़ा लिया है तवा और बनाने लगी रोटी, चार पांच तो बना दी रोटी, बना भाई फिर मच्छर हो जाए, आ जाओ खा लो, बना रही है गर्म गर्म रोटी। बाकी ऐसे है कि समय पे खा लेनी चाहिए, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल। आज मच्छर पे नहीं है यहाँ पर, आप देख रहे हैं करेले, और कल को बनाएंगे करेले की सब्जी, बिल्कुल हरे ताज़े करेले हैं, अभी ले आए थे खेत में से तोड़कर, दो ही बेल हैं और बहुत लग रहे हैं। सुबह का समय, लोग लगातार आगे बढ़ते हुए, 11 बजे के आसपास का समय है, और हम आए हैं यहाँ फतेहाबाद में, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है फतेहाबाद, हरियाणा का बिल्कुल साफ सुथरा शहर है, और यहाँ डीएमसी जो कक्षा 12 हैं उसके बच्चों की डीएमसी मिली है आज यहाँ पे, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से टीम आई हुई थी, और जिसने भी किसी विद्यार्थी ने प्लस टू पास की है तो वो अपने विद्यालय से डीएमसी अंक तालिका बोलते हैं जिसको, मार्कशीट, वो ले जा सकता है। जिला फतेहाबाद से आप देख रहे हैं पीछे का जो दृश्य है, पानी ही पानी, यानी जो हमारे ज़िले में बाढ़ आई हुई है उसका एक दृश्य दिखा रहे हैं आपको, और ये रास्ता जाता है यहाँ से, जो पुल देख रहे हो आप यहाँ पे, ये फतेहाबाद की ओर, और ये जो दूसरा रास्ता जाता है ये भुन्ना की ओर जाता है। एक बार आपसे बात की जाए और आपको जो पीछे के जो खेत हैं वो दिखाए जाएँ, देख सकते हैं आप, बिल्कुल तहस नहस कर दिया है पानी ने। ये पानी आया था यहाँ पंजाब से, पंचकुला और समाणा पटियाला का जो पानी है वो पानी है ये, और इस रोड पे कोई ज़्यादा नुकसान कहें तो हम इस रोड पर ज़्यादा नुकसान कहें तो हम इस साइड बहुत ज़्यादा नुकसान है, बाकी जो दूसरे गांव थे यहाँ से जंडली और खजूरी जाट्टी बिड़ाना, उन गांवों में भी है थोड़ा बहुत नुकसान, बिड़ाना में अधिक नुकसान है।